सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। टेंशन बढ़ती जा रही, अगर यहाँ कोई टकराव की नौबत आई, इन मसीनों पसीनों के साथ कुछ हमने गड़बड़ाहट कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। पहले यहाँ का इतिहास पढ़ ले पूरा, बता के भी आए थे। अरे पीएससी कुछ नहीं भाई, हम तो चाह रहे हैं लट्ठी चार्ज कर रहे हैं, कुछ करो। यहाँ हर तरीके के लिए संघर्ष के लिए तैयार है। आप संघर्ष करो, किसान जीत जाएगा तो भाई किसान भाई कट मिल जाएगा, और हार जाएगा तो भाई जो इनका मर्जी है कर लेंगे। यहाँ का प्रशासन जो है यहाँ गोली बजवानी चाह रहा और कुछ नहीं चाह रहा, वो कट देना नहीं चाह रहा, क्यों? वो जो है सरकार के पक्ष में रहकर काम करना चाह रहा, और सरकार है भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ। भारतीय किसान यूनियन के संगठन पर अटैक कर रहा, अगर हम इस पे कमजोर पड़ गए, यूं मान के चलो पूरे देश में हमारा संगठन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यू हमारे घर की बात है, यू भारतीय किसान यूनियन के गढ़ भज्जू जैसे गांव के बीच में कट है। और भाई थोड़े से शब्दों में प्रशासन को भी बता देना चाहूं, टेंशन बढ़ती जा रही, अगर यहाँ कोई टकराव की नौबत आई, इन मसीनों पसीनों के साथ कुछ हमने गड़बड़ाहट कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और जो भी ठेकेदार हो भाई, कान खोल कर सुन लिया, अगर दोबारा पहला आ गया ना समझौते से कट के बिना, तेरी मशीन में आग लगा दी जाएगी, हम कह रहे हैं आज अपनी जिम्मेदारी बनेगा ये। अरे पीएससी कुछ नहीं भाई, हम तो चाह रहे हैं लट्ठी चार्ज कर रहे हैं, कुछ करो। इनकी हटदर्मी देखेंगे इस प्रशासन की, शामली का डीएम की भी देखेंगे इसकी। वैसे तो बहुत शिद्दत लग रहा था, बैंड बीज बो रहा पूरे, अभी जानकारी नया लड़का आयो। पहले यहाँ का इतिहास पढ़ ले पूरा, बता के भी आए थे। अगर दिमाग सही खराब हो रहा हो तो तेरा दुरुस्त होगा सबसे पहले, बाकी तो जो काम होगा बाद में होगा ही। और ये कट तो लेकर नहीं रहेंगे, जबरदस्ती भी लेंगे, जबरदस्ती भी भाई, हक जब नहीं मिलता छीनना पड़ा तो इस कट के तो नहीं कहेंगे हमें दे दो या वो कर दें कर दें, सड़क भी यही बनाओगे, मेरा विचार है भाई, और कट भी यही बनाओगे भाई। भारतीय किसान यूनियन जब तक दुखी किसान रहेगा अपना हक लेंगे, अपना हक। ठीक है साहब, आज अचानक यहाँ पे किसान जो है इतनी जल्दी में जो आज इकट्ठा हुए, क्या हुआ? ये दिल्ली देहरादून जो रोड है, ये यहाँ जब इसका अलाइनमेंट वो हुआ था डिसाइड, तो यहाँ के किसानों की एक मांग थी कि भाई हमें यहाँ पे कट उतार चढ़ाव के लिए कट मिल गया। ये मंसूरपुर जो पड़े मुजफ्फरनगर में, जो NH 58 से ले कर और सामने तक का, ये इकलौता एक रोड है जिसमें 60 गांव हैं, 3-4 नगर पंचायतें इसमें प्रभावित हैं। तो यहाँ के किसानों की, यहाँ की जनता की, यहाँ के शिक्षार्थी की, यहाँ के व्यापारी की, यहाँ के हर जनमानस की एक मांग यह है कि भाई हमें यहाँ उतार चढ़ाव कट मिल जाएगा तो इस क्षेत्र को लाभ होगा, वो भी आसानी से दिल्ली देहरादून अपने काम धंधे शिक्षा के लिए या अपने काम धंधों के लिए या उसके लिए जा सकता है। अब जब इनको किसानों को ये लगा कि भाई इन्होंने तो पूरा काम कर दिया और कट की कोई बातचीत नहीं कर रहे यहाँ उतार चढ़ाव की, तो ये कह रहे हैं अब जो इनके अधिकारी हैं, कहने जी कट नहीं मिलने का, लेकिन एक प्रतिष्ठा बना ली कि भाई कट नहीं देना, वादा खिलाफी कर रहे। और भाई किसान जो है यहाँ हर तरीके के लिए, हर संघर्ष के लिए तैयार है, ये उसके जीवन मरण का प्रश्न है, ये उसके किसान के भविष्य के जो भाई अगले आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य का जो है ये कट है, तो इस कट को लेकर रहेंगे किसी भी सूरत। अच्छा, जबरदस्ती कल भी जो है आपकी और अधिकारियों की बात हुई थी, जबरदस्ती काम चला दिया था, आज भी चला दे, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ के किसानों की देखा जाए, यहाँ के किसानों की ही जमीन ले गई यहाँ से। ये जो अपमान कराना है ना,
भाई कल पंचायत में कह गए, और जब काम शुरू करना था फिर करो भाई, किसान तो कह रहा ना काम शुरू करो ना, किसान में ताकत होगी तो उसको रोक लगा, फिर क्यों मशीन लेकर भाग जा, क्यों फिर क्यों जो है वो कर रहे। यहाँ यहाँ हर तरीके के लिए संघर्ष के लिए तैयार है, आप संघर्ष करो, किसान जीत जाएगा तो भाई किसान भाई भाई कट मिल जाएगा, और हार जाएगा तो भाई जो इनका मर्जी है कर लेंगे भाई, करो तो, लेकिन छिटा कसी ना करो, छेड़खानी ना करो। किसानों की 3 साल से जब ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना शुरू हुआ और ज़मीनें अखबार होने लगी, तब किसानों ने एक बात बताई थी प्रशासन को, अख हमें यहाँ कट चाहगा। और पिछले 3 साल हो गए, मतलब वार्ता भी हमें कभी यहाँ भर ले कभी ना कर दे, आज जो है यहाँ प्रशासन ने काम शुरू कर दिया था कट ना देने की, उसमें अब जो है किसान जिसे भी पता लगता रहा वो किसान आते रहे, और कट लेंगे चाहे कुछ कोई पोजीशन हो, गोली चलो लाठी चलो कुछ चलो, कट लेंगे और काम इतने नहीं करने देंगे। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होगा भाई, बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा जो 1987 में जब यूनियन का जन्म हुआ नहीं, जब यूनियन का जन्म हुआ उससे भी बड़ा होगा। यहाँ का प्रशासन चाह रहा इस कट को लेगा, 15-20 पंचायत तो होली जिसमें जो है काफ़ी किसान मौजूद रहे, प्रशासन आवे, यहाँ का एसडीएम आवे, मौजूद बैठे बात सुने चले जाओ, और कुछ करवाता नहीं, यहाँ का प्रशासन जो है यहाँ गोली बजवानी चाह रहा और कुछ नहीं चाह रहा। यहाँ का जो एसडीएम है सब कुछ उसके हाथ में है, वो कट देना नहीं चाह रहा, क्यों वो जो है सरकार के पक्ष में रहकर काम करना चाह रहा, और सरकार है भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ, सरकार भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ है। कभी किसानों की राजधानी को कट मिल जा तो चाहते नहीं, और भाई यहाँ का किसान तो इतना सक्षम है कट लेगा छोड़ देगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात समझ आ रही, अगर ना दिख क्या रहा और क्या है अपना आपको समझ रहे भाई, इतने कमजोर तो हम भी नहीं है, हमें चूटी पर रखी, हम भी जाकर किसान के ही हैं, कौन पसीना पाना हमारे भी आवे, और मांग रहे हैं हम मांगे तो रहे, उत्तर में खोज तो रहे कुछ हम, अरे मांगे तो बीघी मिल जा, अरे मांग रहे हम दे दो हमें कौन जुलम आ गया। और फिर दूसरी बात एक और भी है, हमारे तमाम किसान संगठन की एक तो राजधानी हमारी, उसके लिए हक मांग रहे हैं हम, अरे दुनिया का भला हो जाएगा, दुनिया इसमें चलेगी, इन जब जाएंगे टोल भी देंगे, कुछ तो फायदा तो होगा। और फिर हंगामारी मैंने सारे अधिकारी मीटिंग बोली, रोज मीटिंग है उनकी, इनका बेंच ऊँचा लग रही, और जगह मैं एक बात साफ करना चाहूँ, जिंदगी थोड़ी जी लेंगे वही बतीरी, लेकिन जीवेंगे ईमानदारी की और इज्जत है, ये भी हम मांग रहे, कहीं ऐसा ना हो मामला फिर हो कुछ और तूल पकड़ जा। किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह जी के अमरनाथ, चौधरी नरेश जी के जिंदाबाद, चौधरी राकेश जी के जिंदाबाद, चौधरी गौरव जी के जिंदाबाद। एसडीएम साहब अभी कुछ देर बाद बात करते हैं, कल आप यहाँ मीटिंग में थे जी, बैठ जाओ भाई, हमें तो अपमान कल ही लग गया था जब वो पीडी जो है जी यहाँ हंस के बात कर रहा था, पहले तो व्यवहार उसका व्यवहार बहुत ज्यादा गलत था, पंचायत के बीच में आने का कट तो है, यू कट तो हमने ले रखा, आज तो आप लोगों ने इस कट को छेड़खानी करने की कोशिश करी, भर दिया इस आज्ञा था नगर नगरी, हम योगी राज श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, 99 तो फालतू गलती होली, अपने भरोसे सिर काम करियो, ये मशीन फूकेंगे यहाँ तो भाई, जो कोई लेकर होगा मशीन किसान यूनियन किसान यूनियन तानाशाही तानाशाही। व्यवहार के साथ तो बात ठीक है एसडीएम साहब, और ना कोई प्रपोजल ना कोई बात, इस कट की बात करते तो कर लो, नहीं तो यू काम नहीं चलता। आवे टेस्ट लाऊंगा।